देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस पटरी पर फिलहाल दौड़ने के लिए तैयार है। हम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे हैं और आगरा कैंट तक की दूरी करीब 188 किलोमीटर की है, जिसको उसको तय करना है 100 मिनट में। दावा किया जा रहा है कि सबसे तेज ट्रेन होगी ये, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और आपको एक एक खासियत अगर इसकी बताना चाहें तो आप अंदर आके देखिए कि यहाँ पर आपको जैसे प्लेन में होस्टेसेस होती हैं, वैसे ही ट्रेन परिचालिका आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो स्वागत करती हुई नजर आएंगी लोगों का। और आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रेस कोड है इनका, और सारा कुछ अरेंजमेंट जो है वो IRCTC की तरफ से किया गया है। इनकी भूमिका होगी कि जो पैसेंजर्स आएंगे उनका एक स्वागत इनको कैसे किया जाए। दूसरी खूबी अगर आपको दिखाएं तो आगे अगर आपको इधर देखिए कि ये जो दरवाजे हैं वो आपको इस तरह के स्लाइडिंग वाले दरवाजे दिखेंगे, और जो खुद ब खुद अगर इसको खोलें और खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा। देखिए आप कैसे ये अपने आप ऑटोमेटिक दरवाजे हैं इसके। और सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस तरीके से स्वागत करता हुआ सीट आपको नज़र आएगा, जिसपे न्यूज़पेपर या बाकी मैगजीन्स आपको रखी हुई नज़र आएंगी। कुल 12 कोच है इसमें, जो दो पेंट्री कार है, और 10 कोचेज ऐसे हैं जिसमें दो एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसका किराया 1500 होगा, और जो नॉर्मल AC चेयर कार है उसका किराया 750 का होगा। आगे भी आप देखें तो आपको अरेंजमेंट से समझ में आएगा। वाईफाई की सुविधा इसमें होगी, हॉटस्पॉट के जरिए वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी बताई जा रही है, और सप्ताह में 7 दिनों में 6 दिन चलने वाली ये ट्रेन है। शुक्रवार को ये बंद रहेगी क्योंकि ताजमहल उस दिन बंद रहता है। तो तमाम तरह की कोशिश और कवायद की गई है इस ट्रेन को बेहतर बनाने को लेके। सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, पैसेंजर को खाने का अलग अलग इंतजाम है, अलग अलग डिशेज यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपको चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें उधर भी अगर आपको दिखाएं तो प्रेगनेंस या फिर म्यूज़िक जो है वो उसका इंतजाम होगा यहाँ पर, जो लोगों को लेके आपको थोड़ा सा वो सहूलियत होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये इस तरीके से अगर टॉयलेट की ही बात करें तो जिसको DRDO ने तैयार किया है, आगे आइए आप अगर आगे नज़र अगर दोहराएं तो आप देख सकते हैं कि इसको इसमें भी खास इंतजाम किया गया है। आपको देखिए इस तरीके के आपको टॉयलेट यहाँ पर नज़र आएंगे। और कोचेज़ की बात करें तो कपूरतला में कोच का निर्माण किया गया है, जो कुल बॉगी है उसको बनाने में करीब 50 करोड़ कॉस्ट आया है। 5400 हॉर्स पावर का इसमें इंजन है, और किराया जो है वो शताब्दी से ज़्यादा होगा। स्पीड अब तक जो शताब्दी 28 साल से बरकरार की हुई थी, स्पीड के मामले में शताब्दी सबसे तेज ट्रेन मानी जा रही थी, उसको ही पछाड़ने वाली ये ट्रेन आज चलेगी। अब ये देखिए, ये आपको कुल मिलाकर कोशिश करें, देखिए इस तरीके से दरवाजे खुलेंगे और खुद ब खुद बंद होने की बात है। आगे भी अगर आप नज़र दोहराएं तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और 2 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार एक लंबा ट्रायल चला, और उसके बाद ये कोच जो है, ये ट्रेन जो है वो पटरी पे फिलहाल दौड़ने के लिए तैयार है। और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ज़रूर देनी पड़ेगी, कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी ज़रूर पड़ेगी, लेकिन एक वक्त को लेकर सवाल उठता है कि वक्त बहुत बेशकीमती है, उसको बचाने की एक पूरी कोशिश की गई है। और सबसे अहम बात कि सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। नए दौर में जो बदलती हुई तस्वीर है वक्त के हिसाब से, इस ट्रेन में भी वो बदलाव आपको दिखेगा, और एक सुख सुविधा और सहूलियत वाली जर्नी जो है उसका आनंद आप सीधे तौर पर उठा पाएंगे। गतिमान एक्सप्रेस से कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।